हेलो गाइस, स्वागत है आपका रीपर्स रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं द कुंग फू पांडा ड्रैगन नाइट सीरीज़ के बारे में। ये नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। गाइस सब्सक्राइब करो। कुंग फू पांडा वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट एनिमेशन सीरीज़ है। आज मैं कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट सीरीज़ का रिव्यू करूँगा। क्या आपको इसको देखना चाहिए या नहीं? इस सीरीज़ को देखने से पहले मैं इसकी तीन मूवीज़ को रिकमेंड करूँगा, जिनका नाम भी कुंग फू पांडा है। कुंग फू पांडा 1, कुंग फू पांडा 2, फू पांडा 3। तीनों ही अच्छी मूवी है। इसकी पहले भी दो सीरीज निकल चुकी हैं और कुछ स्पिन ऑफ एक दो एपिसोड भी। आप कुंग फू पांडा पोस्ट डेस्टिनी भी देख सकते हैं। ये सीरीज अमेजॉन प्राइम पर हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलो वीडियो लंबी ना करते हुए आज रिव्यू करते हैं द ड्रैगन नाइट कुंग फू पांडा। इसमें कुल 11 एपिसोड है और सभी एपिसोड की लेंथ 22 या 23 मिनट है। इसकी हिंदी डब की बात करें तो वो ठीक ठाक है, अच्छी है। अगर इसकी स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी भी अच्छी है। इसमें होता क्या, इंग्लैंड से कुछ थीप यानी कि चोर आए हुए होते हैं जो गॉन्टलेट को ढूंढते हैं, लाइक थैनोस एवेंजर्स जो जो दुनिया को तबाह कर देता है, ऐसा गॉन्टलेट। पर इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, इसमें चार अलग अलग चीज़ें और हैं। गॉन्टलेट है, एक चाबुक है और हेलमेट भी है। वो चोर इंग्लैंड को तबाह करना चाहते हैं तो ड्रैगन नाइट मतलब फॉर्मर ड्रैगन मास्टर उस गॉन्टलेट की सुरक्षा करने जाता है, पर वो उस गांव को तबाह कर दिए गलती से गॉन्टलेट से, जिससे उसका टाइटल छिन जाता है ड्रैगन मास्टर का। और एक इंग्लैंड से आई हुई नाइट जो उन चोरों को पकड़ती है, वो रोकती है उन चोरों को पर कामयाब नहीं हो पाती, और वहीं पर उसकी मुलाकात पो से होती है। फिर वो दोनों अपने एडवेंचर पर चल दिए होते हैं उन चोरों को रोकने और दुनिया को बचाने। मैं इस शो को बच्चों के लिए बनाया गया वन ऑफ द बेस्ट शो कहूँगा, और इसे एडल्ट भी देख सकते हैं, पर इसमें उन्हें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।